विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज 2009 विषय संस्कृत एपिसोड नंबर 1 के पाठ 10 दो बार सेवा निष्ठा नामना जी पाठ से ये पाठ अपने ऑनलाइन पर जोईशु। जो अहीं पहला सर्वप्रथम परिचय थोड़ा प्राप्त करी लिए राजस्थान में जन्मेला परंतु विद्याभ्यास माटे वाराणसी में गएला अने त्याज कायमी रीते बसी गएला पंडित अंबिकादत्त व्यास नो आधुनिक संस्कृत साहित्यकारो में विशिष्ट स्थान छे। तेओ पोताना आधुनिक उपन्यास शिवराज विजय नामनी कृति थी जाणीता बन्या छे। संस्कृत में रचायेली आ नवलकथा प्रकार की कृति की शैली सरस छता गंभीर छे। तेनो कथा प्रवाह सतत बहतो रहीने पाठक ने ध्यानंत जल प्रिय राखे छे। आ कृति में छत्रपति शिवाजी महाराजे करेला अनेक साहसिक पराक्रमों की कथा छे। आमा समयांतरे एमने मेळवेला विविध विधियों की गाथा पण बढ़ी लेवामां आवी छे। शिवाजीए मेळवेला आ बधा विधियों की पाछळ अनेक परिबळों कार्यरत हता। खास तो एमनो नानामां नानो सेवक पण प्रामाणिक निष्ठावान अने स्वामी भक्त हतो। आ बातनुं समर्थन प्रस्तुत अंश करे छे। एक सामान्य फरज बजावतो द्वार रक्षक कोई पण लोभ लालच की प्रलोभन की पण रहीने पोताना स्वामी ने वफादार रहे छे। आ द्वार रक्षक आजे पण प्रामाणिकतानो आदर्श पूरो पाड़ी रह्या छे। विद्यार्थियों में सेवा भावना ना साथे प्रामाणिकता ना मूल्यों ने सिंचन थाई छे थाय ते आ पात्रो उद्देश्य छे। पाठ में वपरायेला क्रियापदों आधार लेने कर्तृपद साथे वर्तमान काल में क्रियापदों ने समन्वय शांति वक्ते ध्यान में राखी पुरुष प्रस्थानार्पण अहीं अभ्यास करवानो छे। तो आपने आ पाठ ने जोईए जो शिवाजी महाराज ने जे त्यां रक्षक छे द्वारपाल छे ए द्वारपाल ने आपणे द्वारपाल अने शिवाजी महाराज जारे परीक्षा लेवामां ते जाय छे त्यारे बन्ने वच्चे जे वार्ता थी वार्ता ने आपणे जोई छे। एक रात द्वारिका भव्य मूर्ति संन्यासिनम अपश्यत ततः तयो एवं वार्तालापम अभवत। एक दिवस द्वारपाले एक भव्य आकार वाला खूब सुंदर आकार वाला सन्यासियों ने जो पति के बने बचे आ प्रमाणे वार्तालाप थयो ये आपने नीचे जोई छे। सन्यासिना कथम असमान सन्यासिना अपि तिरस्कृति आ कहे छे सन्यासी जहाँ द्वारपाल पासे जाइने कहे छे सन्यासी केव अमने सन्यासों ने पण तू अवगणे अपमान करे अवगणना करे। आ रीते सन्यासी कहे तो द्वारिका अर्थात द्वारपाल भगवान प्रणामामि हे भगवान हे महाराज प्रणाम करू छु। शू कहे छे प्रणाम करू परंतु स्वकीय परिचय अथवा न कश्चित प्रवेश तुम परंतु पोतानो ओळखाण आप्या वगैरह कोई पार प्रवेश न सके। यहां से तमें तुम्हारा परिचय ना हो त्या सुधी कोई पण व्यक्ति हो सन्यासी हो महात्मा हो कोई पण व्यक्ति ने प्रवेश आपवामां आवता नथी। आ रीते अहीं कहे छे पति सन्यासी कहे छे सत्यम शांतम अयम के अपराध साचू आ तारो अपराध माफ करे। शू कहे छे साचू छे पण आजे तारो अपराध छे हूँ माफ करू छू। आ रीते कहे छे किंतु
पंडितों ने कौन कौन है सन्यासियों ने पंडितों ने ब्रह्मचारियों ने अने विद्यार्थियों ने अने स्त्रियों ने अने कन्याओं ने रोकी न सके रोकवा माटे मना करे छे कोने ब्रह्मचारी सन्यासी विद्यार्थी स्त्री कोई कन्या हो तो एने रोकवा माटे अही सलाह आपे छे के तू तारे रोकवानो नथी द्वारिका सन्यासना बहुत्तम अर्थात कहते द्वारका सन्यासी ने घणो बोलिया बधाने बोलिया घणो बोलिया बिरवम बयम द्वारिका ब्राह्मण ब्राह्मण अपि आज्ञा न प्रतीक्षा महे कहते तो हमें द्वारपालो ब्राह्मणी पार आज्ञा ने राह जोता नथी कहते बपादा એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ બ્રહ્મા હોય કે વિષ્ણુ હોય કે દેવ હોય કે મનુષ્ય હોય કે દાનવ હોય કોઈ બીજાને આજ્ઞાને પાલન કરતા નથી ફક્ત પોતાનો મહારાજને આજ્ઞાને પાલન કરે છે તો સન્યાસી સાધુ માર્ગમ આદેશ્ય મહારાજ નિકે ગંતું ઈચ્છામે કહેતે સારુ મારું પતા મહારાજની પાસે જવા માંગુ છું શું કહે છે મને મહારાજને પાસે જવું છે એટલે માર બતાવવા માટે સન્યાસી પૂછે છે તો દ્વારી કહે છે ન શક્યમ આ એ શક્ય નથી એ શક્ય નથી પ્રભાતે મહારાજ સંજોપાસન કાલે પ્રવેશન કરતું અરહસી નતુ રાત્રો કહે છે આ સવારે મહારાજ સંધ્યા આ રીતે અહીં વાર્તાલાપ
जो केवा निष्ठावान दोवारी छे आ राजा राजा ए परीक्षा लेवा माटे आवे छे दोवारी के मां बार बार केवा छे तो आई जेने बच्चे वार्ता लाभ छे आई सुधी आ एपिसोड बात छे आगळनो एपिसोड मां आथी आगळ જોઈશું દરેક પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરજો છે।